भावे चाय बनाओ। हाँ मैं अभी लाई। I'm very happy for you, Anjaya. Good. आता हूँ। Morning, Dad. आदर्श, तू इतना जल्दी कैसे आ गया? हाँ भाई, वो कुछ ऑफिस का काम था। बट आपने हैदर जिलानी की इंटरनल इंक्वायरी बुलवाई और मुझे बताया नहीं। वो एक्चुअली अरे जय जय बेटा, तुमने आदर्श को बताया नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना इस रिपोर्ट के बारे में आदर्श को बताओ। क्या बात है, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देखो आदर्श, दरअसल मैंने ये इंक्वायरी बिठाई थी मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करके। हाँ, कुछ पता चला? मैंने जितनी पूछताछ और क्रॉस क्वेश्चनिंग की, उसे मुझे भी लगता है कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही था स्वाधीनता। रॉड ने वो स्टेटमेंट दिया नहीं है, बल्कि उससे दिलवाया गया है। हमें इस मामले की तह तक पहुंचना होगा, कम व्हाट में। थैंक्स अ लॉट पैटी, तुम काफी चार्ज्ड अप डॉक्टर वैजिस्ट हो। कुछ सलूशन जल्द से जल्द निकल जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक आध दिन में इस रॉड और इस केस से जुड़े हर एक इंसान की जन्मपत्री निकलवा सकूं। आई ट्राई माई बेस्ट। चलो, आई कॉल यू लेटर। सी यू। डैड क्यों? अब तुम्हारे और स्वाधीनता के लिए। देखो बेटा, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और ये हादसा हो गया। इससे पहले के नए रिश्ते बने, पुराने रिश्ते भी कहीं खो गए हैं। मतलब जब वक्त है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहो, ना तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो। अभी लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी बात में कोई ना कोई सच्चाई है, इसलिए मैंने ये इंक्वायरी बिठाई है। लेकिन क्या डैड? बात यह है कि इस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट निकली है वो बहुत नेगेटिव है। इन लोगों के पहले से ही टेररिस्ट से लिंक्स थे। देखो, उस रात जो हादसा हुआ वो इत्तेफाक नहीं था, एक वेल प्लान्ड अटैक था, एक सोची समझी साजिश जिसका मास्टरमाइंड हैदर जिलानी था। और ब्रॉड ने इस बात को प्रूव भी किया, साबित किया। उसके बाद दोबारा उस पर इंक्वायरी हुई थी, फिर भी उसने यही बात कही। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंटरनल इंक्वायरी के बारे में आपने पहले कभी नहीं बताया? वो एक्चुअली मिनिस्टर साहब से इस बारे में कुछ दिन पहले बात हुई थी, लेकिन हो सकता है मेरे जहन से निकल गया हो, बस मैं भूल गया। इनफैक्ट रिपोर्ट परसों ही आई है। और रिपोर्ट बताना भी जहन से निकल गया? आजकल आप बातें भूलने लगे हैं या छिपाने लगे? स्वास्नी, कैसी बातें कर रही हो? क्या आज तक मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है जो आज छुपाऊंगा? हो सकता है मेरे जहन से निकल गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये शक भरी निगाहों से मुझे देखो। तो शक नहीं है, सीधा सीधा सवाल था। फॉर गॉड सेक, तुम जानती हो पिछले दिनों हम पर क्या बीता है? कोर्ट, हॉस्पिटल, बॉम ब्लास्ट, टेररिस्ट, ऑफिस, इसमें जहन से निकल जाता है। इट्स बट नॉर्मल। ओके, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मुझे लगा कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। अजीब लगा,
दिमाग में सवाल आया पूछ लिया। कॉफी और टी? एनीथिंग। चौधरी एज एन मिनिस्टर? यस। हमारी शादी में भी आए थे। डैड के मतलब आदर्श के डैड के काफी करीबी है। और ब्रॉड के भी। इनफैक्ट एलन ब्रॉड को रिहा कराने की सरकार की जो कोशिशें चल रही हैं वो इसी मिनिस्टर ने इनिशिएट की है। इसरी और तुम्हारे आदर्श के डैड मनोहर सिन्हा ने। मैं डिनर लाती हूँ। एक मिनट स्वाधीन तक। हैदर जिलानी के घर पर रेड पड़ने के बाद तुम्हारा भरोसा हजार गुना बढ़ गया ना? क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? असद और हैदर जिलानी की बेगुनाही का तुम्हें विश्वास आ रहा होने लगा ना? बात क्या है? स्वाधीनता, डैड ने तुम्हारे लिए हैदर जिलानी की इंटरनल इंक्वायरी करवाई है। और जानती रिपोर्ट्स में क्या आया? क्या है रिपोर्ट्स में? रिपोर्ट्स आर टोटली नेगेटिव। सारे एविडेंसेस असद और हैदर जिलानी के अगेंस्ट हैं। असद जिलानी इज अ टेररिस्ट एंड हैदर जिलानी इज द मास्टरमाइंड ऑफ दिस प्लान। स्वाधीनता, तुम्हें देखकर मुझे दुख होता है। क्यों दिन रात ऐसे पागलों की तरह मेहनत कर रही हो, भागदौड़ कर रही हो, और वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने जिंदगी भर तुमसे झूठ बोला है? मुझसे किसी ने कोई झूठ नहीं बोला है। स्वाधीनता, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ। सब घर वाले तुम्हारे लिए कितनी चिंता कर रहे हैं, तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम वो की क्या? मुझे पता है, आई नो की रिपोर्ट सब झूठे, गलत है ये रिपोर्ट। मतलब पूरी दुनिया झूठी है, तुम अकेली सच्ची हो? मामू और असद टेररिस्ट नहीं है। स्वाधीनता, स्वाधीनता, you were so right, तुम ठीक कह रही थी, याद है the jackpot? तुम बताओ, तुम खड़ी हो या बैठी हो? मतलब? अब मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ, वो सुनके तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, you are going to be shocked. पैड़ी, हरी अप। आज से ठीक 25 दिन पहले, 1 जून यानी तुम्हारी शादी वाले दिन, एलन ब्रॉड ने जेल में एक लैपटॉप की डिमांड की। And not so surprisingly, उसे लैपटॉप प्रोवाइड भी किया गया। और उसी दिन यानी 1 जून को 2:40 पर उसने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए दो बड़े मनी ट्रांसफर्स किए, दो इंटरनेशनल अकाउंट्स में। जानती हो अकाउंट्स किसके हैं? किसके? मिनिस्टर AK चौधरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोहर सिन्हा के। स्वाधीनता हो न हो, एलन को छुड़वाने की कोशिश इन दोनों की ही है। इनफैक्ट जिलानी को फंसाने में भी इसी मिनिस्टर और मनोहर सिन्हा का हाथ है। I call you back. से बात कर रही थी? कोई नहीं, तुम बोलो, क्या बोलना चाहते हो? स्वाधीनता, मैं तुमसे यही बात कह रहा था कि हैदर जिलानी की इंटरनल रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, सारे एविडेंसेस उनके अगेंस्ट हैं। देखो प्लीज मान जाओ, सब लोग तुम्हारा भला चाह रहे हैं। देखो मुझे इस केस से ज्यादा मुझे अब तुम्हारी चिंता होने लगी स्वाधीनता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, पर इन दिन सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरी कोई गलती है तो मेरी गलत फहमी दूर हो जाएगी, और अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हारी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। So let's hope for the best.
अच्छा, मैं एक मिनट में आई।